किराना स्टोर में ध्यान रखने वाली बातें। किराना एक ऐसा बिजनेस है जिसके सामानों की जरूरत हर घर में होती है। किराना स्टोर पर वो घरेलू सामान बिकते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में रोज उपयोग में आते हैं, जिनकी हमें हर दिन जरूरत पड़ती है। गांव हो या कस्बा, हर जगह ये बिजनेस तेजी से चलता है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप आसानी से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस को शुरू करने में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिनको ध्यान में रखकर अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो मुनाफा ही होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आपकी किराना दुकान का ऑपरेशनल टाइमिंग 7 से 10 या फिर 8 से 10 होना चाहिए, मतलब आपको दुकान में 14 से 15 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। आपको अपनी शॉप में पूरा दिन देना पड़ेगा। कई लोग अपनी दुकान को टाइम नहीं देते हैं, मतलब न टाइम पर शॉप खोलते हैं और न बंद करते हैं। किराना स्टोर में 20 से 25% सेल ब्रेड और दूध की होती है, जिसमें अगर दूध की बात करें तो उसमें 1 रुपए का मार्जिन होता है। इसके बाद उसकी एक्सपायरी को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, जो सिर्फ 1 दिन की होती है। लेकिन दूध को अपने स्टोर में रखने का एक फायदा ये है कि उसके साथ लोग दूसरी चीजें भी ले जाते हैं और इससे आपका मार्जिन कवर हो जाता है। हर किराना स्टोर अपने ग्राहकों को उधार तो दे रही है, जबकि स्टॉक रखने के लिए कैश देना पड़ता है, जिसकी वजह से स्टॉक मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लोग समय पर पैसे वापस नहीं करते। अब आपको ये करना है कि उधारी देते समय एक अमाउंट या डेट फिक्स करनी होगी और उससे ज्यादा अमाउंट ना दे, या फिर उस डेट के बाद उधार ना दे। तो आज हमने आपको कुछ ऐसी टिप्स दी जिनसे आपका किराना स्टोर कभी फेल नहीं होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे और बिजनेस टिप्स के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।